हाय एवरीवन, नमस्कार। पूनम स्टाइल कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं झटपट बनने वाली कुकर में कैसे बनता है खीर। तो ये हमने 4 चम्मच हमने चावल लिया है, मोटे दाने वाला चावल है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसको हम तीन चार पानी से धो के अच्छे से इसको हम वॉश कर लेंगे जब तक इसका स्टार्च ना निकल जाए। तो हमने धो लिया है इसको 4-5 पानी से। अब हम इसको एक पानी डाल के इसको हम रख देते हैं साइड में फूलने के लिए आधे घंटे के लिए। इधर हमने कुकर रख दिया है, ये हमने 1 लीटर फुल क्रीम वाला दूध लिया है। अब हम दूध में एक उबाल आने तक का वेट करेंगे। तो दूध में उबाल आने लग गया है तो इसको हम चला देंगे। इसमें अब हम चावल है वो डाल देंगे हाथ से रब करके। हमने चावल को हम डाल देंगे, तो चावल को हमने डाल दिया। इसको एक बार हम फिर से चला लेंगे। बहुत ही झटपट बहुत ही अच्छी खीर बनके तैयार होती है कुकर में। ये हमने कुछ किशमिश और बादाम और काजू हमने काट के लिए हैं। आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कुछ भी ले सकते हैं। तब इसमें हम क्रश किया हुआ 1 चम्मच हम इलायची पाउडर डाल देंगे। 4-5 इलायची हमने कूट के लिया है। अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे कुकर में। हम अभी चीनी नहीं डालेंगे। इसका हम 1 सीटी आने का वेट करते हैं। 1 सीटी पूरा नहीं आने देना है, बस हमें अभी बस इतना ही सीटी करना है। अब हम गैस को स्लो करके इसको 5 से 7 मिनट और हम ऐसे ही पकने देंगे। तो हमने कुकर खोल दिया है, इसमें अब हम चीनी डाल देंगे। चीनी की जगह आप कंडेंट मिल्क भी यूज कर सकते हैं अगर आप और क्रीमी बनाना चाहते हैं। इसको अब हम खुले ही 5 से 7 मिनट और हम पका लेंगे। तो हमारा खीर बनके रेडी हो गया है झटपट बहुत ही अच्छा। देखिए कितना मलाईदार कितना गाढ़ा खीर बनके तैयार है। आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक